भाई बच्चन के जगह गाओ बेटा, आज हम तो चल दिए लेना। अद्भुत ले जा रहा है बाजी, तबीयत थोड़ी नासाज है लेकिन फिर भी मैं आपके रुको भाई, लेकिन मैं आना था तो मैं यहाँ तक आ गया। ये हमारे साथ भगवती हैं, भगवती साहब की ये अकेले आदमी है, है ना भगवती, अकेले हो सिर्फ। एक मिनट, भगवती मुझे मालूम था ये सब होएगा, अकेले आदमी हो सब, अकेला है, हम अकेले बच्चे हैं, सब लोग मर गए। अच्छा बढ़िया, मैं आगे किनारे पे लगाओ भगवती, दो मिनट बात कर लेना चाह रहा था। तो भगवती कितने साल से चला रहे हो, किनारे लगाओ। करीब 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 जो है 8-8 साल की उम्र से कार्तिक महीने एक मांगा घोड़ा, बड़ा 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 नहीं रहा है, चलो हाँ जी। अरे मैं आ जाता हूँ नीचे, बस 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 भगवती यही लगाओ, किनारे किनारे लगाओ भगवती। हाँ तो भगवती कितने साल हो गए, 8 साल से मैं चला रहा हूँ, 8 साल की उम्र थी घोड़ा, हाँ, तब से मैं घोड़ा रखना पालना बंद नहीं किया अभी तक। तो अयोध्या तो बहुत बदली हुई देखे होंगे, अब तो जगमग जगमग कर रही है, बहुत ज्यादा विकास हुआ सर, है बहुत ज्यादा विकास हुआ और थोड़ा ज्यादा विकास हुआ किसी के राज में जाने। और 6 दिसंबर भी देखे, वो भी देखा, वो भी देखा, मगर क्या कहिएगा 6 दिसंबर की दिन ना पूछिए, क्यों खराब दिन था और अब अच्छा दिन आ गया, बहुत अच्छा दिन आ गया है, जो सपने में सोचे नहीं थे, अब बहुत अच्छा दिन राम जी हमारे आ गए, दुनिया आ गया। अब तो सब जगह जगह से लोग आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, देखो भीड़ जुटी हुई है सब, पूरे हिंदुस्तान के आदमी अयोध्या के ऊपर, राम लला के ऊपर, सरकार के ऊपर हमारे हैं। तो अब तो रोजी रोजगार आएगा, हाँ रोजी रोजगार साहब बढ़ेगा, बढ़ गया लोगों को, बढ़ेगा नहीं बढ़ गया, बढ़ गया, और सब निर्माण चल रहा, देखो जगमग जब पाजी से कहो जरा दिखाए, हर चीज जो है, हर इतनी बत्ती नहीं था, इतना सुविधा नहीं था, इतना रोड नहीं था, मैं आ रहा मैं, रुकिए रुकिए, हाँ इतना रोड नहीं फैला था, हाँ लोग पुलिस परेशान थी, एक एक घंटा जाम छोड़ाने में 2-2 घंटा, और अब तो जाम नहीं होता सर, हाँ कोई जाम नहीं, कहीं कोई जाम नहीं। अच्छा भगवती एक बात बताओ, कितने घोड़ा है, घोड़ा 32 घोड़े, 32 तो पूरे, जब तुम कह रहे हो अकेले हैं तो सबके, जब घोड़ा तुम्हें खरीद लिए तो तुम अकेले तो आई हो, हम कहा खरीदा, हमारे शहर में घोड़े जो है लोग साहब रखे हैं, हम भी रखे, शौक के मारा लोग कलश यात्रा नहीं करता, हमारे साधु लोग निकालते हैं, हर हर मंदिर से कलश यात्रा, भगवान राम का विवाह होता था। अच्छा आप बताओ अयोध्या कैसा लग रहा देख के, अयोध्या बहुत सुंदर लग रहा भैया जी, बहुत सुंदर, एक सुंदर होता है एक बहुत सुंदर। अच्छा मन के अंदर क्या कहे, मन क्या कह रहा है, मन के अंदर सबके अंदर भगवान राम है, सबके अंदर, जब तुम कह रहे हो सबके अंदर तो इसका मतलब सब सब है, सबके अंदर भगवान राम है। अच्छा भैया जी नई दुनिया हो गई है, क्या आप सोच रहे हैं, नई दुनिया हो गई है ना, अब तो ये राम राज भगवान राम हमारे, कितने साल चला रहे हो, 8 साल से चला रहा हूँ, 8 साल, और कितनी उम्र हो गई अब, 70 साल और 8 साल की उम्र से घोड़ा चला रहे हो, और पहले कैसा था अयोध्या, पहले अयोध्या साहब ना पूछो, 10 पैसा सवारी थी साहब, 10 पैसा सवारी फैजाबाद स्टेशन से, फैजाबाद नया घाट से साहब, 10 पैसा सवारी, 10 पैसा सवारी फैजाबाद जंक्शन के था, और अब कितना ले रहे हो सर फैजाबाद जंक्शन से, अब 20 रुपया पहले 10 नहीं 10 पैसा 10 पैसा 10 पैसा अब 20 रुपया अब 20 रुपया लोग
कहाँ कहाँ से लोग आए हैं? पूरा हिंदुस्तान के लोग आए हैं अयोध्या में। कहाँ कहाँ से कौन मिले? हर जगह हर प्रांत के आए हैं। अच्छा, हर प्रांत के आए, कोई प्रांत बकाया नहीं है। देखो भीड़ और बढ़ती साहब, गाड़ी बंद हो गई ना, सरसों बहाने की जगह नहीं था। सरसों की जगह नहीं, सरसों बहाने की जगह नहीं था। अगर सरकार अगर गाड़ी न बंद, भगवती कह रहे हैं सरसों बहाने की जगह, बहाने की जगह नहीं थी। गाड़ी न बंद होती तो सरसों बहाने का युद्ध जगह नहीं थी। ये कहो भगवती मन क्या कह रहा, कलेजा क्या कह रहा है? सर बहुत बढ़िया है, भगवान राम हमारे युद्ध में आ गए, हम लोग खुश, दुनिया खुश, हम ही नहीं, मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया खुश, दुनिया खुश है। यहाँ पे भगवती मौजूद है, जनता डालो जनता, हनुमानगढ़ी की माला है। हाँ जी भैया जी, कहाँ? दिल्ली वाले वडनगर से आए, वडनगर से आए हैं। हाँ, मोदी जी के गांव से आए, मोदी जी के गांव से जल लेके आए मोदी जी के लिए। बहुत अच्छी बात है, तमाम जगह से लोग, तमाम जगह से आए हैं। हाँ, दिल्ली वाले भी मौजूद हैं, गोरखपुर से आप तो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे आगे आने के लिए। चुनाव न लड़ना है क्या? नहीं तो चेहरा कहे चमका रहे हैं अपना बार बार। हाँ, आपको रोज ना कुछ हम दिखाते हैं, रोज कुछ ना कुछ आपको बताते हैं, लेकिन आज जो इच्छा है वो ये है कि बदलती अयोध्या का नजारा दिखाया जाए। जी महाराज जी नमस्ते, मैं उनसे कह रहा था नमस्ते। नमस्ते आपको भी, कहाँ से आना हुआ? मैं रविशंकर दास शास्त्री, महासचिव रामेश्वर धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट, श्री हनुमानगढ़ी अयोध्या जी। जी तो ये हनुमानगढ़ी का रास्ता ये जा रहा सामने तो महाराज जी, अब तो आपकी अयोध्या चमक गई बिल्कुल दिव्य, और पहले ही तो ये केवल भव्य दिव्य थी, अब ये भव्य अयोध्या हो गई है। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने इसको इतना चमका दिया कि आज ये विश्व के पटल पर बैठ गई है अयोध्या। पूरा विश्व आज जो है आप सबके माध्यम से अयोध्या को देखना चाहता है, अयोध्या आना चाहता है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है। कहाँ से आई? आगे आइए। नमस्ते, कहाँ से आई हैं? सर हम यही अयोध्या के ही हैं। अयोध्या की हैं? तो सुबेरे घर से कई बजे निकलने पड़ते हैं अयोध्या वाले? हमेशा निकलते हैं। तो आज इस बार साल में दो दिवाली है? हाँ, दो दिवाली इस बार। अच्छा, तो अयोध्या वासी बड़े सौभाग्य के कहना चाहिए सौभाग्य के प्रत्यक्ष प्रमाण है यहाँ पे, और उनका आज 22 तारीख को एक बार से प्राण प्रतिष्ठा होगी। क्या क्या नाम है आपका? सर ज्योति नाम है मेरा। ज्योति जी क्या काम करती है? सर कुछ नहीं, हाउसवाइफ। हाउसवाइफ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, सबसे कीमती काम दुनिया का। मैं ये बस जानना चाहता हूँ क्या खास तौर से क्या 22 तारीख के लिए प्लानिंग है आपकी, क्योंकि सड़क तक आएंगी या घर में रहेंगी? सर बिल्कुल सड़क तक आऊंगी, जगह जगह हर जगह दीप जलाऊंगी, और बहुत ही उत्साहित है मन। मोदी जी ने इतना विकास किया, पहले कुछ भी नहीं था, अयोध्या लोग जानते नहीं थे, अब उनके कार्यकाल में अयोध्या जानते तो थे लेकिन उसके अंदर की ये नहीं किसी को पता था, जो कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, मन में बहुत उत्साहित है, मन में बहुत उत्साह है। बहुत अच्छी बात है। जय श्री राम। अयोध्या आपकी ससुराल है? दोनों। अच्छा, सुरा मिल गया दोनों है? अरे हाँ, क्या बात है। अरे कहाँ चले गए मैथिल जी? मैथिल जी नमस्कार, कब से हैं यहाँ पे? हम तो डेरा जमाए बैठे हैं। रोजी रोजगार चलता रहे आपका भी, बहुत बढ़िया रहे, और आप आ गए हैं, मैं बातचीत करते रहेंगे। हम तो राम जी लला विराजमान के दिव्य और भव्य प्रतिष्ठा के साक्षी बनने के लिए आए हैं, क्योंकि त्रेता में मिला था मौका अयोध्या वासियों को, और अब हम त्रेता के बाद हम वो मौका है, वो खुशकिस्मत लोग हैं जिनको आज मौका मिल रहा है। क्या बात है, बहुत। कहाँ से आना हुआ भैया? सर हम यही अयोध्या से ही हैं सर। अयोध्या से ही हैं? है, है? कहाँ से आए? गोरखपुर से पैदल चल के, देखिए लम्बा पूरा फुला हुआ, सिर पे रख के ले आए हैं। क्या कर रहे हैं भाई साहब आप? मतलब ऐसा नहीं था कि राम के समय में, मेरी बात सुनिए, यहाँ 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 क्या यहाँ क्या नाम है आपका? अमित कुमार चौरसिया। अमित कुमार चौरसिया। अमित कुमार चौरसिया। अमित कुमार चौरसिया। ऐसा नहीं था कि राम के समय में नहीं थे लोग, आप जैसे लोग तब भी वहाँ थे। आराम से खड़े रहिएगा, खड़े रहिएगा। हाँ भैया, कहाँ से आए? गोरखपुर से, बासगांव गोरखपुर से। बासगांव से आए? सिर पर रामायण रख कर ले आए, पैदल अभी नंगे पैर आए हैं, देखिए। भक्ति की जो धारा है ना वो बह रही है। अरे हाय, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। जय हो। गोरखपुर से पैदल चल के 4 दिन लगा आने में। अच्छा ये बताओ क्या नाम है? चतुर्भुजा सिंह।
चतुर्भुजा सिंह जब आप चल रहे थे तो आपके दिमाग में क्या, मतलब राम आए हैं, प्रतिष्ठित हो रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, लंबा संघर्ष है, पुरखों ने देखा है, आपके मन में क्या था वो जानना चाहते हैं लोग। हमारे मन में यह था कि रामचंद्र जी का मंदिर बन गया ही है, मान लीजिए सब आगे प्राण प्रति राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने के लिए सिर पर लेके आए। क्या राष्ट्रीय ग्रंथ? रामचरित मानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित, राष्ट्रीय ग्रंथ। एक तरफ आप वो देखिए दृश्य और एक तरफ ये संघर्ष देखिए कि राष्ट्रीय ग्रंथ। क्या उम्र है बेटा? 19 साल। पढ़ाई कर रहे हो? हाँ जी। अच्छा कराओ, पढ़ाई करो बस, है ना, उसी में पूरा ध्यान लगाओ। किसमें? पढ़ाई में, क्योंकि ईश्वर वही दिखेंगे, साक्षात दर्शन होंगे राम के, ठीक है ना। तो आप जाओ घर, जाओ जाओ, चलो जाओ जाओ घर, जाओ जाओ घर, जाओ जाओ जाओ। नागो राजस्थान से पैदल घर कैसे जाएंगे? बिना आपको बताए ट्रेन में जाना पड़ेगा। ट्रेन में जाना पड़ेगा। तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्रभु तुम्हें बहुत बहुत सफलता दे, ठीक है। पढ़ाई में मन लगाओ बस, ठीक है ना। कहाँ से आना हुआ आपका? पुना महाराष्ट्र से आया। पुना महाराष्ट्र से। अच्छा तो यहाँ कैसे पहुँचे, किस तरह से आए? रंगोली सेवा करने के लिए आए। रंगोली सेवा। देखिए साहब, जगह जगह जब राम आए थे अयोध्या में 14 वर्ष के वनवास के बाद, तो तमाम सारे लोग अपने लिए तमाम उपक्रम किए थे कि प्रभु आए हैं, राजा राम लौट रहे हैं, गद्दी पे बैठेंगे, भरत प्रतीक्षा भी कर रहे थे खड़ा ऊँट रख के। हालांकि वो दृश्य तो अद्भुत रहा होगा, जिसका कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में जिक्र किया है। लेकिन यहाँ पे एक दृश्य अद्भुत है, जिस प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में लोक दृष्टि जो है वो कितनी महत्वपूर्ण, उसका जरा दृष्टि देखिए कि पूना से आए हैं रंगोली बनाने के लिए। मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि मैं तो अवध का रहने वाला हूँ, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप पूना से आए हैं, मराठा जी, बहुत बहुत। आप तो कब आए यहाँ? हम 3 दिन हो गए, हम यहाँ 3 दिन हो गए। अच्छा तो कहाँ कहाँ बनाई आपने रंगोली? पहले दिन लता मंगेशकर चौक से मंदिर तक पूरी रंगोली बनाई, 20-22 रंगोली बनाई। और कल राम घाट में रंगोली बनाएंगे। मैं वहाँ पे कल देखने आऊंगा। आपका शुभ नाम? हेमंत दे। हेमंत धीरे धीरे। विजय लबड़े। विजय लबड़े, आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कहाँ से आए हो? जी मैं यहीं से हूँ, राजकुमार गुप्ता जी। हाँ गुप्ता जी, भाई बताओ जी। यार गुप्ता, मैं आपको कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक देखता हूँ। मैं टीवी में सबसे ज्यादा आपको ही पसंद करता हूँ, आपकी स्टाइल। अरे नहीं, बड़े बड़े चेहरे हैं, सबको पसंद किया करो। चेहरा नहीं, आपके आगे सारा चेहरा बेकार है। या तो प्रभु श्री राम का चेहरा, हनुमान जी का चेहरा है सर, या तो प्रभु श्री राम का है या हनुमान जी का, या मैं दिन भर टीवी में आपको देखता रहता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान। गुप्ता जी कहाँ के रहने वाले हो? जी मैं अयोध्या जी का ही। मैं भी यही अवध का रहने वाला। एक नंबर का झुट्टा हो, यही तो देखने में मजा आता है। अरे दिन भर जब हम आते ही नहीं, अरे ना दिन भर जब हम आते ही नहीं। अरे आचार्य जी प्रणाम, कैसे हैं आप? ठीक है सर। अरे बहुत दिनों बाद हुआ, वैसे तो मैं अयोध्या आता रहा हूँ, कई कई बार आया हूँ, कईयों बार मैंने दर्शन किए हैं। अब मेरी आवाज वहां तक पहुंच गई, आह करते लोग चले आ रहे हैं। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? मंदिर से। बहुत खड़े रहो आचार्य जी, जी कहाँ पे आपका? यही सुबह यही स्थान है अयोध्या में। तो बहुत बदल गए। क्या उम्र क्या आपकी पहले ये बताइए? हमारी उम्र 48 वर्ष है सर जी। 48 जी। तो वो 6 दिसंबर का दृश्य देखा? हम लोग भागीदार थे सर। भागीदार थे, बाहर से जो कार सेवक आते थे उन्हें अयोध्या के नवयुवा ही मार्गदर्शन करते थे, उनको रास्ते का, उनको भोजन पानी का। सर मैं आपसे क्या बताऊँ, उस आंदोलन के साक्षी क्या कहिए, हम लोग कार सेवकों के मार्गदर्शक आप कह दीजिए अगर, तो उसमें बुरा नहीं है। देखिए शास्त्री जी, मैं उस समय तो खैर नहीं था जी, 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 उस समय तो नहीं आया था पत्रकारिता में, लेकिन उसे कुछ सालों के बाद मैं आया और उसके बाद अयोध्या लगातार 2010 में भी आया, जब हाई कोर्ट का आया, उसके बीच में भी आता रहा, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तब भी मैं यहाँ था, कई कई बार आया। अयोध्या को सजते हुए, बदलते हुए पहले कहना चाहिए, बदलते हुए फिर सजते हुए देखा। क्या उम्र है तुम्हारी? 18 साल। तो आंदोलन इससे ज्यादा पुराना है? जी जी पुराना है। तो शास्त्री जी कुछ मन में क्या है? सर जी मन में प्रसन्नता है, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा मंदिर हमारा वापस मिल रहा है, और जय जाने जय देह जनाए। बिल्कुल 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 है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जानत तुम्हें हो जाए, वो अगर जान गया तो फिर
वैसा ही हो जाता है, नहीं वो भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। क्या बात है महाराज जी, प्रणाम। आप कहाँ से आए? चित्रकूट जिला से। अच्छा कैसे पग यात्रा? पग यात्रा में आए हैं। राम मंदिर का नाम जितना भी ले उतना ही कम है। और अभी तो 2024 में मोदी जी पूर्ण बहुमत से फिर से आ रहे हैं। हम तो अभी बात कर रहे थे 24 में। हाँ। अच्छा सुनो, ऐसा है अभी हम 24 में आज नहीं बात करेंगे, आज मेरा मन 24 में नहीं है, आज मेरा मन सिर्फ अयोध्या, अयोध्या पति भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पर है। जितना कम, जितना ज्यादा कहो उतना कम है। हाँ जी जी। अरे आज तो बड़े बड़े लोग दिखाई पड़ रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं। जीती जी आपको बहुत बहुत, आपका भाई यहाँ हमको 4 दिन हो गए हैं। अरे सारे लोग दिल्ली वाले भी यहाँ आ गए जी। नमस्ते, रुकिए नीति जी नमस्ते। अरे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को सर्दी में कहाँ लेके निकल पड़े? ले गए थे। कहाँ घुमा ले? नए घाट। अरे रुको, लिए गधा घूम रहे हो? कहाँ से? यही अयोध्या में रहते हैं। अच्छा तो ससुराल है यही? जी सर। क्या नाम है? बेबी पांडे। देखिए अवध का नाम है ये बेबी पांडे। तो बेबी जी नमस्ते, अब बच्चा कहाँ है? बच्चा दोनों हमारे हैं। हाँ बहुत अच्छा, बहुत। क्या क्या नाम रखे हैं? पायल पांडे, आशीष पांडे। पायल पांडे, आशीष पांडे। तो सब कहाँ दर्शन कर रहे हैं? हनुमानगढ़ी वहाँ गए थे, नए घाट दर्शन कर। तो कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा। चकमक 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 चकमक। अच्छा मैं नीति जी बात करूंगा आपसे। अरे जरा मुझे वॉच भी बता देना, आज मेरे पास घड़ी वड़ी नहीं है। हाँ जी पैदल या 6:09 खाना रख। भाई घड़ी सही है? हाँ सर सही। अच्छा ठीक है, 6:09 ही हुआ। ये कहाँ लेके गए थे? सिमराई सुपौल बिहार से पैदल यात्रा करके आए हैं अयोध्या धाम। जी पैदल जी। अच्छा जय हो भैया, जय श्री राम। तुम्हारी आस्था को प्रणाम है और तुम्हें वंदन है, तुम्हारे चरण का वंदन है। और बहुत 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 अच्छा करो। हम तो बस ऐसे ही जा रहे थे, सोच रहे थे कि बातचीत करते। कहाँ से आना हुआ भाई साहब आपका? बनारस से। बनारस से? क्या नाम? अच्छा राम के आराध्य के यहाँ से आ रहे हैं और मैं वहाँ से यहाँ आ रहा हूँ। जी आपका भी स्वागत है, हमारा भी स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। अरे नीति जी क्या देखा आपने इससे कितनी पहले, कई बार आई है यहाँ अयोध्या? इससे पहले लास्ट मंथ आई थी। अच्छा। और ड्रामेटिक चेंज देख रही हूँ, विकास देख रही हूँ, पूरी सड़क खुद। अरे आपने तो देखा नहीं, वो तो देखा होता आपने 20 बरस पहले 22 बरस पहले जब रिपोर्टिंग के लिए आते थे तो समोसा मिल जाता था और गुरुजी बस चाय मिल जाती थी, और अगर थोड़ा देर हो गए तो जलेबी गई, क्योंकि उतना टाइम गुजर जाता था। लेकिन अब बहुत सारी चीजें बदली हैं बाजी। दो महीने पहले अयोध्या बहुत बदली हुई थी, जैसे इतना खंडहर था यहाँ पे जिस टाइम टूटा हुआ, तो अयोध्या वाले देखे यहाँ पे किस तरीके से यहाँ सहा है, जैसे बुलडोजर चल रही थी, ये घर टूटे हुए तो वो घर टूटा हुआ था, यहाँ पे इतना इतना पानी भरा हुआ रहता था, इस पानियों में से हम लोग गुजर के यहाँ से वहाँ गोंडा जाया किया। भाई देखो एक बात तो बताएं, बस जो संघर्ष हम लोग झेला आज उसी की खुशी मिल रही है। कितना आनंद आता है कि हाँ यहाँ से गुजरते हुए, बहुत खुशी होती है कि हाँ यहाँ गुजरे हम लोग। टूटने के बाद निर्माण होता है। कहाँ से भैया, कहाँ से आ गए? हम अयोध्या से ही आए हुए हैं, यहीं से हैं। अयोध्या से हमारी जन्मभूमि है। जन्मभूमि है जी। तो अवधपति आपको प्रणाम करता हूँ मैं। राम का कर्ण आप में सबसे ज्यादा है। हमारा नाम वीरेंद्र कुमार सैनी। और आप? मैं मध्य प्रदेश से हूँ भैया जी। राममय भक्ति में डूबा है पूरा अयोध्या, पूरा भारत, पूरा वर्ल्ड, दुनिया। और एक ही बात कहना चाह रहा हूँ सबसे कि सारे खुशी मना रहे हैं, आने वाली 22 तारीख जो आ रही है, अग्रसर हो रही है, सब राममय हो गए। जय श्री राम। कोई कहीं से, कोई कहीं से बोलना चाहता। हाँ बोले जो राम बोलो। देखो एक बात बोली, जय श्री राम बोलने के लिए माइक जरूरी नहीं है, जय श्री राम बोलने के लिए वो अपने अंतः प्रेरणा जरूरी है। और ये आदत मत डलाइए, या ठीक आदत नहीं है, ठीक बात नहीं कि वो माइक में बोलना चाहता। अरे क्या उम्र है? उम्र क्या है मेरी? नहीं इनकी। अच्छा 5 साल। 5 साल। 5 साल के बच्चों को माइक की आदत डलवा रहे हो आप। बोलो बेटा भाई बोल दो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ एक मिनट को खड़े रहो, हमारी बात कंप्लीट। चलो चलो चलो। अभी हमारी बात क्या हुई? कंप्लीट नहीं हुई। हाँ तो कंप्लीट किस चीज? दुनिया में जो आया उसकी बात कभी कंप्लीट हुई है? कभी नहीं कंप्लीट हुई। हाँ तो कहना है तो कहो, अभी रुको 2 मिनट, पहले 2 मिनट वेट करो, उनसे पूछ रहे। तो कहाँ से आना हुआ? हम यहीं से, अयोध्या से। क्या काम करते हैं? हम टीचर हैं। टीचर हैं? सब बढ़िया चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। आपके शो देखते हैं, आई एम योर फैन। अच्छा ठीक है भाई, हिंदी में बोलो। राजस्थान से? राजस्थान। राजस्थान से आए हैं? जोधपुर। जोधपुर से?
हाँ बोलिए, कंप्लीट करिए बात, अब रुकिए भाई। अयोध्या का ऐसा विकास हो रहा है ऐसा हमारी कल्पनाओं में भी नहीं था, इतना दिव्यतम विकास हो रहा है, कल्पनातीत हो गया है एकदम, इतना विकास हो रहा है अब। लेकिन हमको ये भी आशा है कि मोदी जी जैसे इतना विकास हमारे देश का कर रहे हैं, वैसे ही एक बार ऐसी बेरोजगारी के खिलाफ स्ट्राइक करेंगे कि बेरोजगारी भी एकदम खत्म हो जाएगी। जैसे यहाँ का दलदल, जैसे जी जैसे यहाँ का दलदल समाप्त हो गया और यहाँ की गंदगी जितनी थी सारी समाप्त हो गई, वैसे ऐसा होगा ना कि पूर्णतम राज, राज आ जाएगा और जितने बेरोजगार। समझ गया तुम्हारी भावना, समझ गया जी। खड़े रहो। कहाँ से आए? यवतमाल जिले से आए। यवतमाल महाराष्ट्र, यवतमाल जिला। हाँ एक मिनट। हाँ जी, जैसे बनारस में पहले हुआ था और आप टूरिज्म और दर्शनार्थी बढ़ रहे हैं और वहाँ पर हम देख रहे हैं दिनों दिन ग्रोथ बढ़ रहा है। वहाँ तो बहुत ही अद्भुत देखने को चीज मिला इस बार वाराणसी में, नए साल में इतने लोग आ गए जितना शायद वहाँ पे गोवा में नहीं गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और आठ गुना गोवा, यहाँ पर भी वही स्थिति आएगी आने वाले भविष्य में। ये आने वाले भविष्य में पक्का है, एक बहुत बड़ा सेंटर पॉइंट बनेगा। बाबूजी नमस्ते, यही अयोध्या के रहने वाले हैं, प्योर ही अयोध्या के। ये मतलब देखिए इन्होंने कहा कि हम प्योर ही अयोध्या के हैं। आइए प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, मुझे तो लग गया था कि आप अयोध्या के ही हैं। क्या नाम हो गया बाबूजी? आर के चौरसिया। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं आपको, अभिनंदन करता हूं। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मन है? चलिए आपको दर्शन, राम जी के जय जयकार करने आए हैं। अरे प्रभु की जय जयकार हो रही है चारों तरफ। हाँ बोलो, यवतमाल महाराष्ट्र, यवतमाल जिले से आए हैं। महाराष्ट्र यवतमाल, एक मिनट को भाई, बोलना तब चाहिए जो चीज जाए, है ना? अनर्गल बोलने से क्या फायदा? यवतमाल से विश्व हिंदू परिषद के तरफ से यहाँ पे एक महीना लंगर की सेवा कर रहे हैं सरस्वती विद्या मंदिर में। एक महीना यहाँ पे निशुल्क लंगर की सेवा करने के लिए हम 50 जन आए हुए हैं। अच्छा, हाँ ये करिए, बहुत सारे लोग आएंगे यहाँ पे, उनको भोजन कराइए, प्रसादी दीजिए। हाँ भैया कहाँ से हैं? अलवर से, अलवर राजस्थान। अलवर वाला बात ना करे तो मजा नहीं आता। आओ पास आओ मेरे। क्या नाम हो गया? दर्शन कुमार। दर्शन कुमार, तो दर्शन कुमार दर्शन करने आए थे? हाँ जी। हाँ जी, आज दर्शन हुए? अभी जा रहे हैं आश्रम। तो सबसे पहले यहाँ जाएंगे आप, हनुमानगढ़ी? हाँ जी, हाँ जी। हनुमानगढ़ी के बाद? हाँ, कल घाट वगैरह सब कुछ घूमेंगे यहाँ पर। तो दर्शन लोग जानना चाहते हैं, दर्शन करने क्यों? क्या मैं दर्शन के लिए तो क्यों शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इसी समय आने का क्या कारण है सर? सबसे बड़ा तो ये राम मंदिर है जो सबके है, उसके लिए ही हम यहाँ आए। हृदय में बस गया? हृदय में ये लगा मोदी जी और योगी जी सर, जोड़ के निवेदन है, मेरी सुन ली जाए, गरीब आदमी बहुत दूर से आया। अरे तुम्हारी ही बात सुनी जाएगी और किसी की बात नहीं सुनी जाएगी, और सबसे तो मैं भगा ही देता हूँ। और गरीब आदमी मत ना करो, हम कौन वहाँ बड़े भारी के वहाँ है। बोलो सर, ये है जो काम नरेंद्र मोदी और योगी जी ने किया है ना, वो सब जो भी विपक्ष में है नेते, उनको सबको करना चाहिए आत्मा से, दिल से। ऐसा क्या किया ये जानना चाहते हैं वो लोग, तो सीख ले तो वो लोग भी कर ले। सर काम क्या किया है, क्या ये बोलो क्या नहीं किया उन्होंने? ये तो तुम घुमा रहे हो, जैसे ये बताओ कौन कौन। जैसे सर देखो, हाँ। हमारे गरीब गाँव में, मैं हाँ। भजेड़ा गांव का हूँ अलवर जिले में, हाँ। आज हमारी लेडीज 50-50, 60-60 हजार रुपए गरीब जो चूल्हे में मर रही थी वो गैस सिलेंडर ले रही है 60-60 हजार रुपए मोदी जी के उस टाइम में ले रही है, और लाखों रुपए की हम मदद मिल रही है, 5-5 लाख, 4-4 लाख रुपए हमें गरीबों को मिल रहा है, मकान हमें मिल गए। कसम खा रहा हूँ सर, ईमानदारी बात है, मेरे भजेड़े गांव में देखना 20 घर मिले हुए हैं, नहीं मेरे 20 साल में भी घर नहीं बनते, ईमानदारी बता रहा हूँ, कसम खा रहा हूँ सर। आप कभी कर ले जब भजेड़ा गांव अलवर जिले में, कसम खाने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनो, नाम क्या आपका? मेरी मैं बावरिया समाज से हूँ, अलवर जिले के पास भजेड़ा गाँव है सर। नाम आपका? दर्शन कुमार। बावरिया समाज से हैं और आप नहीं जानते, मैं समझ गया, लेकिन इन्होंने जो आंखों में आंखें डाल के कहीं, ईमानदारी से कह रहा हूँ इन्होंने जो बात कही उसको सुनना चाहिए, बहुत ईमानदारी से सुनना चाहिए और उसकी उसकी तह तक जाना चाहिए, रीजन आपको समझ में आना जाए। और ये कहते कहते आंख में पानी भी आ जाते हैं आपके। नहीं सर, हमें तो कुछ दिया है, सब कुछ दिया मोदी ने, ईमानदारी बात। मैं समझ गया, कहाँ से आना हुआ? सर यहीं से हूँ। अयोध्या?
अयोध्या वासी बड़े आज प्रसन्न है, आपके इंतजार में थे, वजह से ज्यादा है सर। अरे नहीं भाई, और इतना प्रसन्नता दिख रही चेहरे पे, बिल्कुल हमारे अयोध्या में इतने सालों बाद इतनी खुशियाँ आई हैं, इससे बड़ा क्या हो सकता है, इससे बड़ा खुशी कोई बात नहीं हो सकती। मतलब ये तो सपा के टाइम से और कब से था, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे घर कहाँ है आपका? ये राम के पैड़ी स्वर्ग द्वार में। अच्छा, राम की पैड़ी स्वर्ग द्वार में रहती हैं आप, बताइए आपके कितना सौभाग्य है। अच्छा, तो वहाँ तो काफी सजा हुआ है, बहुत बहुत। वहाँ तो तमाम मीडिया वाले, देश दुनिया की मीडिया आई हुई है। हाँ जी सर, बिल्कुल पूरे के पूरे, मतलब हमें लगता है कि जितने अभी मीडिया वाले होंगे सब आए अयोध्या में आ गए, इस समय सब अयोध्या में आ गए। लेकिन कुछ आराम से धैर्य रखिए, सब्र रखिए, और आप भी सब्र रखिएगा। आपको क्या लगता है कि आपकी अयोध्या में इस वक्त क्या अंतरात्मा जो है आपकी, वो क्या बोल रही है? कुछ निकल नहीं रहा है, शब्द नहीं निकल सकता है, क्योंकि जो अयोध्या हम 94-95 में देखे थे, उसके अपेक्षा अयोध्या इस समय, अब स्वर्ग कैसा होता नहीं मालूम, पर ये है, ये इस समय स्वर्ग है अयोध्या मेरा। बस 94-95 की बात कर रही, मैंने अयोध्या तो नहीं देखी, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि अयोध्या जो है स्वर्ग ऐसा ही होता होगा, स्वर्ग ऐसा ही होता होगा। हाँ जी सर, मैं थोड़ा सा अपनी बात रखना, मैं साहित्य का स्टूडेंट हूँ, साहित्य के मतलब मैं टीचर हूँ, साहित्य मैंने पढ़ा है, मैं डॉक्टरेट हूँ। मैं सिर्फ दो बात बहुत छोटी छोटी कहूँगा कि जिस पौधे को महर्षि वाल्मीकि ने लगाया और तुलसीदास ने जिसको अपने अपनी चीजों के हिसाब से उन्होंने उसको गढ़ा, जिस कथा को, उन विपरीत परिस्थितियों में, जबकि राम का नाम क्या हिंदू धर्म के ऊपर संकट था, सनातन संस्कृति के ऊपर संकट था, वो उन विपरीत परिस्थितियों में महर्षि गोस्वामी तुलसीदास ने जिसको संभाला, आज वह एक फूल के रूप में, उसके एक फल के रूप में आज हम अयोध्या को देख सकते हैं। आप साहित्य के हैं, रामचरितमानस तो पढ़ा होगा, बिल्कुल। कौन सी पंक्ति आपको छूती है जो लगता है कि वो पंक्ति बाबा ने जब लिखी होगी तो कैसे लिखी होगी, कितना कहां डूब में, भक्ति में बिल्कुल डूब कर लिखी होगी? सर मार्मिक प्रसंग बहुत सारे हैं, मैं उनका वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन कोई एक, अभी मैं हाल ही में संयोग से मेरे फेसबुक पर जो 7:15 के आसपास जो गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस का पाठ आता था वेद भारती पर, उसको मैं सुनने लगा, उसमें उस समय संयोग से वो जो चला वो सीता जी का प्रसंग था। सीता जी का प्रसंग वो है कि जब वो राम के साथ वन में जाने की बात कर रही हैं, वो राम से, राम कह रहे नहीं आप रुको, यहाँ पर माता की सेवा मेरे अभाव में, तो माँ की सेवा करना, माँ को संभालना। उस समय वो कहते कि वो सीधे राम से बात न करके, प्रभु श्री राम से बात न करके, अपनी सास से सीधे कहती हैं कि हे माँ, इतनी सारी शिक्षाएं मेरे पति ने मुझे दी हैं, लेकिन उन सब के बाद मेरा निष्कर्ष ये है कि पति क्या है, याद है, पति वियोग सम दुख जग नाही। पूरे संसार में पति के वियोग के से बड़ा कोई दुख नहीं है। सारी शिक्षा, जय श्री राम, सारी शिक्षा युक्त वाक्य अपनी जगह पे है, लेकिन हे माँ मुझे आज्ञा दीजिए। तो ये जो संस्कार है कि अपनी बातों, बिल्कुल तमाम तरह के संस्कार, क्या 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 तुम आओ, क्या नाम है? बामन भाई है, गुजरात से आया हम। क्या नाम है? बामन भाई। बामन भाई, हाँ। गुजरात में कहाँ, रुको तुम चुप रहो, ये भगाऊंगा भी। और अयोध्या पूरी तरीके से तैयार है 22 जनवरी के लिए, 22 तारीख के लिए, क्योंकि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन उससे पहले कई सारी तैयारियां भी वहां पर की जा रही हैं। क्या निर्णय किया, क्या फैसला किया आने से पहले? आने से पहले फैसला क्या करना है, भगवान है उनकी शरण में आना है। कैसा बेवकूफी वाला सवाल पूछते हो, भगवान के पास आना है, भगवान के दर्शन करना है, बस और क्या है ना। क्या नाम है आपका? बामन भाई। कौन भाई? डोटिया। राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम।
ना जाने कितनी दोपहरी ऐसी रही होंगी अयोध्या में जो मैंने इसी अशोक के पेड़ के नीचे गुजारी होगी। आपको लगेगा ऐसा क्या, ऐसा क्यों? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि 98-99 के बाद से लगातार अयोध्या आना रहा है, कभी नहीं आ पाया तो 6 महीने 7 महीने ज्यादा रहा होगा, मतलब कभी कभी साल में 3 बार 4 बार 5 बार भी आया, लगातार आया, दुकानों का कायाकल्प भी हो गया है ना जी? हो गया बिल्कुल हो गया। ये थोड़ा सा ये जो राजमहल जो राजप्रसाद है उस तब का हिस्सा है और मैंने अपने मैक्सिमम शोज यही किए हैं। सच बताऊं आज आपसे, मैं आपका नाम भूल रहा हूँ, शिवदयाल सोनी। शिवदयाल जी, सराफे की दुकानें हैं सब यहाँ ज्यादातर। आज मेरा बोलने का मन नहीं हो रहा, बिल्कुल बोलने का मन नहीं है, इसलिए नहीं क्योंकि तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए नहीं। ये क्या बोलूं, सब कुछ जो जो बात हो रही थी, जो जो कल्पनाएं थी, संकल्पनाएं थी, वो तो सब पूरी हो गई, वो सही हो गया। अब वो तो सही हुआ तो पूरा हो गया, तो उसमें बोलने का कुछ रह ही नहीं गया। लेकिन इसके बाद आगे रोजगार निर्माण हो और बहुत सारे युवाओं को काम मिले, ये मेरा दिमाग में हमेशा रहता है। ये क्या कर रहे हैं? ये भी कारीगरी कर रहे हैं। बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका यहाँ पे आके भी। तो ये वो इलाका है जो मैं आपको एक बार और दिखा दूँ, ये राजप्रसाद है जो पीछे आप देख रहे हैं, और यहाँ पे कितनी सराफे की दुकानें हैं? 10-12, 12-13 है सब। आप सारे लोग वही हैं जी? बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। पीछे पाजी एक बार दिखा दीजिए अपना जगह, जो मैं कह रहा हूँ तो इसी पेड़ के नीचे 45-46-47 टेम्परेचर पे, और जब दोपहर हो जाती थी तो मैं यहीं पे बैठ जाता था इन दुकानों में, कभी कभी कई कई बार तो सो गया दुकानों में। नमस्ते, रिपोर्टिंग का जीवन ऐसा ही होता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप यहीं अयोध्या में रहती हैं? क्या नाम है आपका? नीरजा त्रिपाठी। नीरजा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, कुछ कहना चाहती हैं? अयोध्या की रहने वाली हैं। मतलब आप बताइए कि भगवान की इतनी बड़ी कृपा, जैसे आप बोले कि आप कुछ नहीं कह सकते, तो मैं क्या बोलूं, कितनी बड़ी माया है उनकी कि उन्होंने यही मुझे, मतलब मैं बेटी हूँ काशी की और शादी मेरी हुई है यहाँ अयोध्या में। अब आप सोचिए कि भोलेनाथ की इतनी बड़ी कृपा, जैसे कहते ना कि एक पिता को दिया जाता है कि अपनी बेटी को कहीं अच्छा, जहाँ पर कृपा राम की होई, तो उन्होंने अपने करे सब पे अपने आराध्य क्या ही भेज दिया। आराध्य क्या भेज दिया? वो शंकर जी के मन में हमेशा चलता, राम ही राम चलता रहता है। नीतेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और इस उत्सव में शरीक होइए। बहुत सारे लोग, कहाँ से हैं आप? मैं यहीं का हूँ लेकिन आया हूँ महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आया? अच्छा, हमेशा देखता हूँ मैं टीवी पर। महाराष्ट्र में कहाँ से? पुणे से। पुणे से? बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कहाँ से हैं साहब? सब यहीं लोकल के। लोकल है जी। नीति जी कुछ कहना चाहती हैं? बस यही है कि भक्ति की शक्ति की जीत है, भारत की आस्था की जीत है, भारत के स्वाभिमान की जीत है, भारत की मूल पहचान की जीत है, क्योंकि कण कण में राम बसे हैं। वो एक बहुत फेमस किताब है हिंदी साहित्य के लोग जो जानते हैं कि आस्था के चरण, डॉक्टर नगेंद्र की किताब है, लेकिन हाँ वो आस्था के चरण ही है जो चारों तरफ मुझे दिख रहे हैं। और मैंने बताया 97-98 में आना शुरू हुआ था, कुछ कहने का मन है? बिल्कुल मन है। संयत हुए कुछ यहाँ पे? मैं तो संयत हूँ, लेकिन उन लोगों का क्या कीजिएगा जो अब भी इस प्रकार से अधम कर रहे हैं। अरे छोड़िए ना। नहीं, देखिए प्रतीक जी, राम कण कण में है, राम जन जन में है, और आज ये राम मंदिर ही नहीं, ये राष्ट्र मंदिर बनने जा रहा है। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ बहुत विनम्रता से। देखिए आप तो इस देश के प्रख्यात पत्रकार हैं, आपने अभी कहा भी कि आप 98 में 99 में उसके अलावा लगातार आप आते रहे। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने भी कभी स्वप्न में सोचा था कि ये जो दृश्य साकार होने जा रहा है, आज ये बैकुंठ बन रहा है, साक्षात बैकुंठ, क्या ये हो पाएगा? मैंने यही प्रश्न आज यही प्रश्न मैंने जगत गुरु रामभद्राचार्य से पूछा आज। या आपको लगता था VHP की बैठकें जब होती थी दिल्ली में सेक्टर 6 में, आपको लगता था? तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता था ऐसा, आभास, संत है आभास होता है, लेकिन मैं तो रिपोर्टिंग, और रिपोर्टिंग का मतलब ये होता है जो जैसा है वैसा परोस देना, उसमें ना तो कोई मिर्च का तड़का लग सकता है ना उसमें चीनी का चाशनी लग सकती, तो जैसा है वैसा। हाँ, लेकिन आप सोचने समझने वाले व्यक्ति होते तो बहुत सारी चीजें समझते रहते हैं। आज भी किस प्रकार से रामलला विराजमान के दिव्य और भव्य मंदिर की प्रतिष्ठा होने जा रही है, लेकिन
कुछ ना कुछ ये निकाल के लेके आ रहे हैं। कभी कहते हैं कि वहां भगवान श्री राम पैदा नहीं हुए, जहां गुंबद नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूं समूचे विपक्ष से, अरे राम तो सबके हैं, आखिर तुम रामद्रोही अब क्यों बन रहे हो? मैं तुम्हें एक बात बताऊं, आप हमारी डिबेट में आते हैं, नीति जी भी आती हैं, अब देखिए कितनी अयोध्या की हैं, काशी की बेटी हैं, अयोध्या में विवाह हुआ है। आपका नाम? सीमा तिवारी। सीमा तिवारी, मैं एक बात कहूँ आपसे, सार सार को गए रहे थोथा दे उड़ा, अंदर सार को पकड़ी अपने आप ही सब चीज का आनंद लेना चाहिए। और ये राम को मालूम था कि उनका मंदिर यहाँ बने? बिल्कुल बिल्कुल, राम को मालूम था, संतों को मालूम था सर, संतों को। ये राम मतलब संत, राम के अनेक अर्थ हैं। राम तो संतों के आराध्य हैं सर। मैं कह रहा हूँ राम के बहुत सारे अर्थ हैं। राम का एक शब्द का अर्थ होता है सुंदर, सुंदर भी होता। अरे सर बहुत अनंत अर्थ है राम के। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ, सबको बहुत क्लियर था। हाँ जी, आपका नाम? अजय तिवारी। कहाँ से आना हुआ? मैं यही अयोध्या से हूँ। अच्छा, क्या काम करते हैं? सर मैं सिक्योरिटी से हूँ। अच्छा, तो कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं मिमिक्री करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, तो भगवान ने जब अपना यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुई तो सबको मौका दिया है, सारे लोग आए अपने अपनी कर्तव्य और कला लेके। तुम कौन सी कला लेके आए हो? मैं मिमिक्री कला लेकर आया हूँ। अच्छा, कहाँ से? फैजाबाद। अयोध्या के ही वासी हो तो कला लेके आए हो, दिखाओ अपनी कला। मैं लालू की आवाज में बोलना चाहता हूँ। अरे यार तुम्हारा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई रुको रुको, कोई अपनी आवाज है, कोई और इसके इतर आवाज है, पॉलिटिकल नहीं, कोई और आवाज है? हाँ सर। कौन सी? अमिताभ जी की है। अच्छा चलो, बिल्कुल एकदम मर्यादित रहना। हाँ बोलो। अरे भैया मैं भी अयोध्या में आ चुका हूँ और पूरे हिंदुस्तान वालों को बताना चाहता हूँ कि अब की बार अयोध्या आए और भगवान राम का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाए। क्या नाम है तुम्हारा? अजय तिवारी सर। अजय, तुम अपनी भाषा में क्यों, अपनी जबान, अपनी आवाज में क्यों नहीं बोलते हो, दूसरे की आवाज में क्यों बोलते हो? तुम्हारी आवाज तो इतनी अच्छी है। सर मैं अपनी आवाज में भी बोल सकता हूँ तो बोलो। जब से भगवान राम का यहाँ समारोह हो रहा है तब से पूरे भारत से लोग यहाँ मिल रहे हैं देखने को, नहीं तो बहुत कम लोग सर यहाँ आते। एक बात बताएं तुमसे, ये जो बोले हो ना, यही अमृत बोले हो तुम इतनी देर में, यही अमृत बोले हो, इसमें तुम्हारा दिमाग लगा था। अपनी चीज बोलो, अपनी चीज। हाँ जी बोलो। हैं भैया जी, कहीं को देखना चाहती है। कौन? महिलाएं। कहीं भैया जी, कहीं। हम कहा वही है भैया जी, कहीं। हाँ तो कहीं हमसे मिलवा दीजिए, हमका मिल लीजिए। आपको देखना चाहते थे ओरिजिनल में, आज हमने कहा कि भैया जी वही है जो टीवी पे देखते हैं। वही ओरिजिनल भैया जी कहीं। आपसे मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई। हाँ जी, हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा क्या? अरे नहीं नहीं, मैं भी ऐसे छोटे शहर में ही पैदा हुआ। जय श्री राम। जय श्री राम। कुछ कहना है? हाँ, हमारे अयोध्या मिलकर बड़ी खुशी हुई। अरे नहीं, भगवान की शान में कहना चाहिए। अयोध्या जन्मभूमि, हाँ, हम यहीं के निवासी हैं सर। हाँ। हमें बहुत खुशी है कि हम यहाँ हैं। हाँ। मौके पे। हाँ। यही बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी नगरी में भैया जी आए हैं, बहुत बड़ी है। अरे आपकी नगरी है और यह है हमारी भी नगरी। हाँ, अभी अवध के रहने वाले जी। हम लोग जिस सपने को लेके बड़े हुए थे, आज हम लोग का वो सपना साकार हो। आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अरुणा तिवारी है। एक मिनट रुको भाई, माताजी कहना चाह रही है ना, तो भैया जी जरा चुप बैठो। माताजी कहना चाह रही है, भैया जी भी अपनी मुहिम लगा देंगे। हाँ जी, आप यही अयोध्या की रहने वाली? अयोध्या के रहने वाले हैं। हाँ। हम डिस्ट्रिक्ट ओमन हॉस्पिटल में पोस्टेड हैं। अच्छा, तो हम लोग अभी देखने आए थे। अच्छा, कुछ चीज अखरती रही होगी अयोध्या में। हाँ, कि ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत ज्यादा। तो हम लोग को वो सपना साकार हो जिसको हम लेके हमारे पैदा हुए, तो हमारे माँ बताते यहाँ मंदिर हुआ करता था, फिर लड़ाई हुई, ऐसा हुआ ऐसा। तो हम लोग के आज वो सपने साकार हो रहे हैं जो हम लेके बड़े हुए थे। लेकिन एक चीज और भी हुई है, जब आप इतने लोग आएंगे, इतना निर्माण होगा, तो हॉस्पिटल, स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ भी तो होगा। हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारी सुविधाएं हो गई। जब से राम मंदिर का हुआ है तब से हमारे यहाँ की अस्पताल में बहुत सारी सुविधाएं बढ़ गई हैं कि बाहर से लोग आएंगे, आप लोग अच्छा करो, ऐसा करो, बहुत सारे संसाधन हो गए हैं। और गाँव गाँव जी सर, जितनी गाँव गाँव की सड़कें हैं सारी पक्की सड़कें हो गई हैं। ये चीज जो है ये बहुत अद्भुत चीज है, आपने सब इनका ले लिया है ना। अब इसको आजकल एक चीज और चलती है, उसको वायरल कर दीजिए। सब सीख गई है ना? हाँ जी। भगवान राम सब सिखा दिए ना आपको? सिखा दिए सब। हम आपके सब एक फोटो लेना चाहते हैं। ले लीजिएगा अभी थोड़ी बहुत। प्रभु जी हमको जिंदा कर दिया है, यही खुशी है। हमारा घर आबाद रखे, हम पति परमेश्वर मेरा है और कोई नहीं। बस ठीक है, मगन रही है
और सीताराम सीताराम कहते रहिए जी। कहाँ से आना हुआ? मैं यही अयोध्या का ही हूँ। क्या नाम है? विश्वेंद्र प्रताप सिंह। उम्र क्या है? 29। क्या पढ़ाई करी आपने? मैंने मास्टर्स कर रखा है साइंस में। साइंस में किया। अयोध्या को देखा आपने कई वर्षों में? देखा बचपन से, बड़े होके, बड़े होते हुए देखा? अगर हल्ला मचाना है तो उधर चले जाओ, अगर चुपचाप खड़े रहना तो यहाँ खड़े रहो मेरे साथ। बहुत मेजर चेंज आया है पहले से। हाँ, बहुत सारी चीजें डेवलप हुई हैं, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आप कैसे कह रहे थे। पहले से बहुत डेवलप हुआ लगता है कि वो कुछ चीजें जो थी अब बेटर प्रोस्पेक्ट के साथ आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल आएंगी। वो जो चीजें थी जिनकी वजह से शहर में बहुत दिक्कतें थी, जी बिल्कुल वो बदलेगा, एकदम बदलेगा। एयरपोर्ट आ गया है, पता चला न्यूयॉर्क से फ्लाइट उतरी और क्या है, न्यूयॉर्क से फ्लाइट आई और सीधे अयोध्या में उतर गई। सोच के कैसा लगता है? बहुत अच्छा है, सपना जैसा लगता है ना, है ना। यहाँ आइए, पास आइए मेरे, यहाँ आइए। पता चला न्यूयॉर्क से चली फ्लाइट, लंदन से चली फ्लाइट और सीधे आके अयोध्या में, एकदम सपना जैसा लगता है ना। उड़ान हो गई भैया जी, सपनों की उड़ान हो गई। देखिए पूरे प्रोग्राम के आखिर में किसी व्यक्ति को मैं ढूंढ रहा था, कोई मुझे मिल जाए। और आप समझिए कि ये भगवान राम की कृपा पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व के जितने भी सनातन धर्मी हैं उनको ये प्रेरणा मिली है। सभी धर्मों से सबने इनको इस मुकाम पे पहुंचा दिया कि आज जग गए और इन्होंने जय श्री राम का नारा लगा दिया। क्या बात है, इन्होंने कहा कि सपनों की उड़ान हो गई। हो गई ये सपनों की उड़ान। सपने तो वैसे ही उड़ते हैं, लेकिन सपनों की भी उड़ान हो गई। कहाँ से आ रहे हैं गुरु जी? बोल रहे थे न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क से आए? न्यूयॉर्क में है। क्या नाम हो गया? कृष्ण प्रताप दीक्षित। कृष्ण प्रताप दीक्षित जी, न्यूयॉर्क में क्या करते हैं आप? मैं हेड प्रीस्ट हूँ वहाँ हिंदू मंदिर में। अरे भाई रुकिए, हेड प्रीस्ट हैं हिंदू मंदिर में? अच्छा, तो यहाँ आना जरूरी था? बिल्कुल जरूरी था यहाँ तक। अच्छा एक बात बताओ गुरु जी, बहुत जल्दी से वक्त खत्म होने वाला, मैं देखूं जरा वॉच चेक करूं, क्योंकि आज मुझे बार बार 6:52 हुआ है। यहाँ से जब जाएंगे तो क्या ले जाएंगे? अब यहाँ से जाएंगे तो यहाँ की स्मृतियाँ ले जाएंगे, जो दिव्यता है यहाँ की वो ले जाएंगे, और भगवान प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेकर के वहाँ के न्यूयॉर्क वासियों को देंगे। दीक्षित जी दो चीजें ले जाइएगा, एक तो अयोध्या की रज ले जाइएगा, जरूर कुड़िया बांध लीजिएगा छोटी सी, बिल्कुल। अब पता नहीं बने जा पाएगी कि नहीं, क्योंकि हम तो न्यूयॉर्क गए नहीं कभी। नहीं, नहीं, बिल्कुल जाएगी, है ना दीक्षित जी? तो एक तो चरण रज ले जाइएगा, जरूर ले जाऊंगा। और दूसरा बताएं, इस पूरे कालखंड में अगर कोई एक साक्षी रहा है प्रभु का, हाल में कौन है? कौन? सरयू जी, आगे आओ। तुम यही रहो, न्यूयॉर्क न जाना। नहीं सर, एकमात्र साक्षी वही है सरयू, जिसने प्रभु को देखा था। और आप इस कल्पना के साथ जब सरयू पे डुबकी लगाएंगे तो यकीन मानिए साक्षात रामचरितमानस सामने प्रकट हो जाए। 91 में जब मैं यहाँ कार सेवा में आया था तो पता नहीं था कि ये दिन आएगा। तो मैं कह रहा था कि सरयू का जल और चरण रज दीक्षित जी लेके जाइएगा। आचार्य जी, आप ये सोचते हैं ना कि सरयू ही वो साक्षी रही होगी? जी जी, सरयू सर, बाल क्रीड़ाओं को देखा होगा? अरे बाल क्रीड़ा नहीं सर, उनके पूर्वजों की लीला वैवस्वत मनु से सरयू जी की जो है उपस्थिति यहाँ पर है, और ये तो भगवान राम के पूर्वजों के लीला की भी साक्षी रही है सरयू जी, भगवान की नेत्रजा कही। वहाँ न्यूयॉर्क में भी तो बड़ा उधम मच रहा होगा, हमारे मंदिर में बहुत दिव्य कार्यक्रम, मतलब बड़ा उत्सव चल रहा होगा हमारे मंदिर में, दिव्य लाइव दिखाया जा रहा है। रात्रि कौन सा न्यूयॉर्क में कौन सा मंदिर है? हिंदू सेंटर मंदिर बोलेवार्ड फ्लशिंग में। अच्छा न्यूयॉर्क में जी, वहाँ दिखाया जा रहा है? जी बिल्कुल लाइव दिखाया जाएगा। वाह दीक्षित जी बहुत बढ़िया है आपके, और आप ने किया है हमारे मंदिर कमेटी ने ये व्यवस्था की है कि हम लोग लाइव वहाँ पे दिखाएंगे। 90 के का सेवक हैं, 90 के और सही संजय जी जो मुजफ्फरपुर जिनकी दो बेटियाँ आई हैं।